कोरोना काल में मध्य प्रदेश में बस संचालकों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही प्रदेश की शिवराज सरकार ने 5 महीने का टैक्स माफ कर दिया हो, लेकिन इसके बाद भी टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे बस चालक और परिचालकों ने प्रदेश सरकार से मुआवजा देने की मांग की। इसी के चलते विदिशा जिले के सिरोंज में चालक परिचालक संघ के 2 दर्जन कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन तहसीलदार अलका सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने कोरोना काल में आर्थिक मदद की गुहार लगाई। बसों पे जो स्टाफ रहता है, जो अपनी सेवाएं देता है, जिसे चालक परिचालक कहते हैं, वह इस टाइम लॉकडाउन का मारा है। आगे कोई बहुत ज़्यादा भविष्य दिख नहीं रहा है। इस समय हमारे साथ कुछ कंडक्टर्स मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। आप क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन कुरैशी, कुरैशी कंडक्टर नाम जानते हैं मुझे। कैसे देखते हैं, क्या परेशानी है आपको? परेशानी क्या है, 5.5 महीने हो गए, ना सरकार ने कोई खबर ली, ना मोटर वाले को ना कुछ दिया सेवा के लिए। अब बस कंडक्टर, ड्राइवर कंडक्टर चालू रहते हैं, लेकिन 5.5 महीने मुझे हालत हो गई कि कर्जे पर कर्जा हो गया और ना कोई सुनने वाला है, ना गवर्नमेंट ने आज मोटर मालिकों के लिए टैक्स माफ़ कर दिया 5.5 महीने। स्टाफ के लिए क्या करा? स्टाफ तो भूखा प्यासा पड़ा हुआ है ना, स्टाफ की कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ना मुख्यमंत्री जी ने कोई की घोषणाएँ दिए, आश्वासन दिए, आश्वासन से बच्चे नहीं पलते, घर के चूल्हे नहीं जलते गरीबों के, चूल्हे में तो राशन पानी चाहिए। आप क्या चाहते हैं मजदूरी का? हमारा जो कम से कम राशन पानी मिले और गवर्नमेंट रेट का जो हमारा तनख्वाह भत्ता है वो मिलना चाहिए हमें, ताकि हमने जो जिन लोगों से कर्जे लिए हैं वो कर्जे दे सकें और अपनी गाड़ी बाजी चालू। तो देखा आपने किस तरह चालक परिचालक लोगों का कहना है कि सरकार ने टैक्स माफ़ तो कर दिया है, लेकिन हमारा अभी कुछ सरकार ने नहीं सोचा है, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सहयोगी सईद खान के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश, सिरोंज। सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।